मामा, गौतम भैया की जमानत तो हो गई है, लेकिन ये बात कोर्ट तक ना पहुंचे इसके लिए आपको कंप्लेंट वापस लेनी होगी। मामा, क्या आप चाहती हैं ये बात कोर्ट तक पहुंचे? नहीं साहिल, ये हमारे घर की बात है, हम इस कंप्लेंट को वापस ले लेंगे। मामा, ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना, कहीं देर हो गई तो। नहीं साहिल, वैसे भी 20 साल की देर तो हो ही गई है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द ये कंप्लेंट वापस ले लूंगी। What do you want? क्या चाहिए आपको? क्यों आई हैं आप यहाँ? फिर से जेल भिजवाना चाहती हैं आप मुझे? देखिए, आपको मुझे आपके घर में ले जाने के लिए मैंने आपसे नहीं कहा था, वो आपका डिसीजन था, और जेल से भी आप ही ने जमानत पे छुड़वाया था, that was your decision. तो अब आप क्यों आई हैं यहाँ पे? अच्छा, आप मुझसे थैंक यू सुनना चाहती हैं? You want me to thank you? ठीक है, thanks once and for all, and mind you, you are not always welcome. So please leave. बोल चुके बेटा। Hey! कौन बेटा? कैसा बेटा? क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं। क्या आप मुझे जानती है? नहीं ना? तो जब रिलेशन ही नहीं है तो कैसा बेटा? Look, you are whatever your name is, and I am Gomzi. Gomzi तुम्हारा मुखौटा है, तुम्हारी असली पहचान गौतम है। Hey, मेरी असली पहचान सिर्फ गौमजी है। पिता का नाम किरण विरन। How do you know my father? And वैसे भी प्रॉब्लम आपके और मेरे बीच में है ना, तो आप मेरे बाप को बीच में क्यों घसीट के ला रही हैं? मेरे घर तुम ये भूल आए थे, इसी से पता चला कि तुम्हारा असली नाम गौतम किरण विरानी है। लो। थैंक्स नहीं कहोगे? फॉर व्हाट? तुम्हारी पहचान जो लौटाई मैंने, अब पासपोर्ट लौटाया ना गौतम? Hey, listen. मैंने आपसे कहा है कि मेरी पहचान गौतम किरण विरानी नहीं है। You know something, you're right. तुम्हारी असली पहचान गौतम किरण विरानी बिल्कुल नहीं है। You're right. मेरी असली पहचान गौमजी है। नहीं, मैंने कहा ना, गौमजी सिर्फ मुखौटा है तुम्हारा, पहचान में। Hey, listen. Thanks. सिर्फ पासपोर्ट लौटाने के लिए, कोई पहचान वहचान देने के लिए नहीं। You're welcome. Always. तुलसी बेटा, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। कहिए बा। मनसुख। तुलसी बेटी, दरअसल हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि गौतम को इस घर में लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हाँ तुलसी, जब अब वो हमारी नजरों के सामने है तो तुम लाने से क्यों मना कर रही हो? माँ, बात गौतम को घर लाने की है। आज हमारी नजरों के सामने जो है वो गौमजी है। उसे पहले गौमजी से गौतम तक का फासला तो तय करने दीजिए। कल मैं पासपोर्ट लौटाने के बहाने उससे मिलने गई थी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है। पापा, मैं जब भी किरण का नाम लेती थी वो चिढ़ता था। गौतम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि
उससे कहने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ भैया, तुलसी ठीक कह रही है। इस मसले को हमें बहुत ही सावधानी से सुलझाना होगा। लेकिन जेडी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं देर हो गई तो शायद। पापा, मुझ पर यकीन कीजिए, गौतम अब हमारे साथ ही रहेगा। मुझे उससे दोबारा मिलना पड़ेगा। जैसा तुम ठीक समझे बेटी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बात ठीक कह रही है तुलसी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिसेस ब्रिगेंजा, क्या आप जानते हैं पापा कहाँ गए हैं? अरे, वो कभी बता कर जाते हैं क्या? पर उनका कोई फोन आया कुछ? No calls. Okay, I'll try again. अरे हाँ, तुम्हारी ग्रैंडमदर का फोन आया था। What? मेरी ग्रैंडमाम का फोन? क्या नाम था? सविता। सविता? लगता है पापा आए हैं। Let me check. हेलो मैम। मिसेस ब्रिगेंजा, किरण कहाँ है? मामा? करिश्मा। मामा। हाय बेटा। हबीबी। आई एम ओके। करिश्मा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पता नहीं मामा, आई एम ट्राइंग टू गेट थ्रू हिम, आई कैन नॉट। मामा, गोमजी कैसा है, कहाँ है वो? मामा, मैंने पूछा गोमजी कैसा है, वेयर इज ही? मामा, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा, ये सविता कौन है जो मेरी ग्रैंड मॉम बनकर फोन करती हैं? और ये तुलसी आंटी, हु आर दीज पीपल? मामा, क्या सविता वाकई मेरी ग्रैंड मॉम है? करिश्मा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे लिए सब मर चुके हैं, हमारा किसी से कोई भी वास्ता नहीं है। Do you understand that? मिसेस ब्रिगेंजा? Yes, ma'am. मैं होटल डेविड इंटरनेशनल में रुकी हूँ। Okay, ma'am. किरण से कहना कि मुझे फौरन आके मिले। Yes, ma'am. आरती का फोन? हाँ आरती, बोलो। किरण, वेयर आर यू? मैं कहीं भी हूँ, तुम्हें क्या है? प्लीज किरण, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पहले मुझे ये बताओ कि गौतम कहाँ है। वो किरण, मुझे तुमसे बात करनी है। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि गौतम कहाँ है। अब जरा यह भी बता दो कि गौतम कितने दिनों से घर नहीं आया। 4 महीने से। गुड। पिछले 4 महीनों से गौतम घर नहीं आया और तुमने जाने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ है और किस हाल में। हमारे बीच में झगड़ा हो गया, इसलिए वो बिना बताए चला गया। झगड़ा हुआ था तो मना तो सकती थी ना। तुम ये तो बताओ कि तुम कहाँ हो। मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ, गौतम का पता करो। चलिए, फाइनली माँ बाप को बेटे की चिंता तो हुई। भाभी, आरती ने मुझे बताया नहीं था। और आपने पूछा नहीं था ना किरण भैया? If I'm not mistaken, गौतम को आपने भी अडॉप्ट किया था।
उसका ख्याल रखना आपकी भी जिम्मेदारी थी। आप जानते हैं आपकी वजह से आज मैं मीर से ये नहीं कह पा रही हूँ कि उनका भाई उनका बेटा घर लौट आया है। बीस साल के बाद मीर को ऐसा भाई मिलेगा जिसने उनका विश्वास तोड़ा, एक ऐसा बेटा मिलेगा जो उनसे नफरत करता है, उनसे मिलना तक नहीं चाहता। अपनों को खोने का गम क्या होता है किरण भैया, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि आप अपना भाई खो दें। Peace out.